पीकर हंगामा करना भारी पड़ गया। बुंदेलखंड के महोबा में नशे में डूबा एक सिपाही अपनी मर्यादा भूल गया और आपसी झगड़े में सार्वजनिक स्थान पर जमकर गालियां बकी। सिपाही की इस करतूत का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया, जिसके बाद SP अनीश अहमद अंसारी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। स्मार्टफोन ने आम लोगों को भी स्मार्ट बना दिया है। महोबा में एक सिपाही जब नशे में ढाबे पर हंगामा कर रहा था, तभी वहां मौजूद एक शख्स ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो जब अधिकारियों तक पहुंचा तो सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि यूपी पुलिस के इस तरह के कई कृत्य सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्लेम नहीं कर रहा है, हम पूरा रिपोर्ट पहुंचाएंगे तुम्हारी कप्तान के पास। कप्तान नहीं, हाँ DIG के पास पहुंचा दूं। DIG के पास पहुंची। वर्दी का रौब झाड़ने वाले सिपाही अक्सर गुंडागर्दी करते दिख जाते हैं। मामला महोबा का है, जब एक सिपाही की ढाबे मालिक के साथ बहस हो गई। ढाबा मालिक के अनुसार खाना खाने के बाद होटल संचालक ने पैसे मांगे तो नशे में धुत सिपाही हंगामा करने लगा। झगड़ा बढ़ा तो थाना पनवाड़ी में तैनात सिपाही कुलभूषण परिहार ने नशे में धुत होकर ढाबे मालिक रिंकू को गालियां देनी शुरू कर दी। रिंकू ने जब सिपाही की शिकायत अधिकारियों से करने की बात कही तो सिपाही भड़क गया और फिर जमकर गालियां देने लगा। इसके बाद मौके पर थाने के कई और सिपाही भी आ गए, मगर नशे में सिपाही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। किसी तरह पुलिस कर्मी उसे जबरन जीप से थाने ले गए, तब कहीं जाकर मामला शांत हो सका। सिपाही की ये करतूत एक मोबाइल में कैद कर ली गई और जब वायरल होकर अधिकारियों तक पहुंची तो तत्काल प्रभाव से SP अनीश अहमद अंसारी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। न्यूज बुंदेलखंड के लिए महोबा से मामी खान की रिपोर्ट। राम राम भैया, जैसो कि आपको पतो है कि बुंदेलखंड को एकमात्र चैनल है न्यूज बुंदेलखंड। और अब तो भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मजो आ गओ। अब तो जान खबरें आप देखो जामे बुंदेली भाषा में देखो। तो भैया देखो ना भूलियो न्यूज बुंदेलखंड।